नमस्कार, मैं वंशिका मालवीय और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। नागपुर का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। ठंड का सीज़न आ गया है और नागपुर के लोगों को ठंड बेशक महसूस भी हो रही है। नागपुर का जो मौसम है, सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है नागपुर में और इस बारिश के कारण काफ़ी ठंडी भी यहाँ पे महसूस की जा रही है। अभी नागपुर में जो टेम्परेचर है 23 बताया गया है और डेफिनेटली ये टेम्परेचर जो है वो आगे रात के समय और गिरता चला आएगा। तो अभी हम खड़े हैं माटे चौक में, जहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि ये एकदम से अचानक से जो बारिश आई है इसमें उनको कैसा लग रहा है और साथ ही में अभी तो नागपुर वैसे गर्मियों के लिए फेमस होता है पर इस ठंडी का उनको कैसे मज़ा आ रहा है ये भी एक बार उनसे जानेंगे। बहुत मौसम बहुत सुहाना लग रहा है। हमें नागपुर वालों लोगों को इतना सुहाना मौसम देखने की आदत नहीं है, पर ऐसे कुछ ऐसे मौसम में चाय और पकौड़े मिल जाए तो और बहुत अच्छा लगेगा। मौसम का भी अच्छा लग रहा है। कभी नागपुर में 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन अभी आज तो ऐसा मौसम बन गया है कि शिमला जैसा महसूस हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और मज़ा आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं वंशिका मालवीय। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100।